द गठान टॉल चौकी के अंतर्गत ग्राम बिलोद में सोमवार को एक वर्ग विशेष व्यक्ति द्वारा टीपू सुल्तान एवं वीर शिवाजी महाराज के ऊपर वीडियो बनाकर अभद्र टिप्पणी करते हुए इंस्टाग्राम आईडी से सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसी के परिणाम स्वरूप दिगठान सहित आसपास के क्षेत्र के हिंदू समाज के लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। इधर मराठा समाज एवं करणी सेना ने भी इस मामले में जमकर विरोध प्रकट किया। आक्रोशित लोगों ने चौकी का घेराव कर प्रदर्शन करते हुए आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ग्राम जानकारी के अनुसार ग्राम बिलोद अल्फीज पिता आजम पटेल निवासी बिलोद द्वारा टीपू सुल्तान और वीर शिवाजी महाराज का एक विवादित वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर वायरल किया था। इसी वीडियो के वायरल होने के बाद क्षेत्र के हिंदू समाज के लोगों में आघात पहुंचा है, साथ ही क्षेत्र की शांति भंग करने का प्रयास भी किया। इसी मामले को लेकर आक्रोशित लोगों ने सोमवार देर शाम को चौकी का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। हिंदू समाज के लोगों ने आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई एवं ग्राम बिलोद में अवैध निर्माण को तोड़ने की मांग की गई। इधर मामले को बढ़ता देख बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया था। CSP पिथमपुर भी मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। नालछा से रविंद्र सिसोदिया की रिपोर्ट। अभी जो इस तरह का संज्ञान में लाया गया था कि इंस्टाग्राम आईडी पे किसी ने आपत्तिजनक वीडियो डाला है शिवाजी महाराज के लिए, तो उसके तारतम्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट हमारे द्वारा FIR दर्ज कर ली गई है। जो भी उपयुक्त धाराएं थी, गंभीर धाराएं थी, अजमानतीय धाराएं थी, और उसमें हमारे द्वारा FIR पंजीबद्ध कर ली गई है। आरोपी को भी हमने हिरासत में ले लिया है और इस पर कड़ी से कड़ी और जो ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो कि मिसाल बने। साथ ही कल हमारे द्वारा SDM साहब को भी पत्र लिखा जाएगा कि इसकी जो भी संपत्ति है, जो भी अवैध तरीके से बनाई गई है या अवैध तरीके से निर्मित की गई है, तो उसकी भी जांच करके वैधानिक कार्रवाई करें। इसको लेके कल ही हमारे द्वारा SDM साहब को पत्र लिखा जाएगा और उस पर भी कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी, और इस तरह की घटना की भविष्य में कोई पुनरावृत्ति नहीं हो, हमारे द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जाएगी कि भविष्य में कोई भी इस तरह की करने का प्रयास नहीं करेगा। तो मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि पुलिस प्रशासन आपकी जो भी पूरी सुनवाई करेगा, पूरी कड़ी कार्रवाई करेगा और पूरी तरीके से सहयोग करेगा। मेरी आप सब लोगों से अपील है कि आप सब लोग शांति बनाए रखें, अपने अपने घर जाएँ, और हमारे द्वारा जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई हो सकती है पूरी की जाएगी, आप निश्चिंत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।